लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का नई दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 24 हो गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने आज दिल्ली हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतनलाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। अमित शाह से मिले अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी, जहां सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 24 लोग मारे जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक डोभाल ने राष्ट्रीय राजधानी के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद शाह से उनके नॉर्थ ब्लॉक स्थित दफ्तर में मुलाकात की। यह NSA का 24 घंटे से भी कम समय के भीतर हिंसा प्रभावित इलाकों का दूसरा दौरा था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि NSA ने गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति तथा वहां हालात सामान्य करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक भी शामिल हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3 दिन पहले भड़की हिंसा में अब तक कम से कम 22 लोग मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, यमुना विहार, भजनपुरा, चांद बाग और शिव विहार प्रमुख हैं।